देखते हैं इंडिया खबर। आज पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। भवानीपुर, जांगीपुर और शमशेरगंज में वोट डाले जा रहे हैं। भवानीपुर सीट से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ये ममता की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जहाँ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से उन्हें हार मिली थी। आज भवानीपुर उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। आज इस इलाके में बारिश का भी अनुमान है। दक्षिण कोलकाता में भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने प्रियंका टिबरेवाल को मैदान में उतारा है और माकपा के श्रीजा विश्वास मैदान में है। भवानीपुर के 97 मतदान केंद्रों में 287 बूथों में से प्रत्येक के अंदर केंद्रीय बलों के 3 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही कोलकाता पुलिस के अधिकारी बूथों के बाहर सुरक्षा के प्रभारी होंगे। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 147 विशेष वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। लॉर्ड सेना रोड स्थित सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ईवीएम को स्टोर करने के लिए 2 पूरी सुरक्षा के साथ रूम बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ के मौसम को देखते हुए सिंचाई विभाग को भी अलर्ट रहने को कहा है। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। सेंटर में 9 स्ट्राइकिंग फोर्स, 13 क्यूआरटी वैन, 9 फ्लाइंग स्क्वाड और आरएएफ तैयार हैं। आरएएफ में महिला अधिकारी भी शामिल हैं। सुबह 5:30 बजे से ही 100 ट्रैफिक सर्जन की तैनाती है। भवानीपुर केंद्र में 6 नाका पॉइंट बनाए गए हैं। भवानीपुर केंद्र के 9 थानों में 2 मोटरसाइकिल यूनिट लगाई गई है। भवानीपुर, जांगीपुर और शमशेरगंज में कुल 6,97,164 मतदाता अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतों की गिनती 3 अक्टूबर को की जाएगी। अप्रैल में 2 उम्मीदवार के निधन के बाद जंगीपुर और शमशेरगंज में मतदान को रद्द करना पड़ा था, इसलिए आज यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। भवानीपुर में सुबह 11 बजे तक 35.97% मतदान हुआ, जबकि जांगीपुर में 57.15% वोटिंग हुई। वहीं शमशेरगंज में 57.15% लोगों ने वोट डाला। तीनों विधानसभा सीटों पर वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। ममता बनर्जी के लिए उपचुनाव काफी अहम है। इन तीनों सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान मतदाता कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करते नजर आ रहे हैं। मतदाता मास्क पहनकर भी पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। काफी कड़ी सुरक्षा के साथ वोटिंग की जा रही है। 3 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे पता चलेंगे कि आखिर किसका पल्ला किस पर कितना भारी पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।